हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू लाइव टक दुबई चैनल। दोस्तों, आज का इस वीडियो अबू धाबी पब्लिक बस में चढ़ने वाले पैसेंजर्स के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। मतलब आप अबू धाबी पब्लिक बस में ट्रैवल करते हैं, अबू धाबी में पब्लिक बस यूज़ करते हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो। और आप अबू धाबी में नए हैं, आप बिजी वीज़ा पे है अबू धाबी में, तो आपको भी जानना जरूरी है, आपके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। अथॉरिटीज़ इन अबू धाबी पब्लिक बस में चढ़ने वाले सारे पैसेंजर्स को सिविलाइज्ड बिहेवियर रखने की आग्रह किया है। मतलब एक सभ्य व्यवहार रखने की आग्रह किया है। देखिए, अबू धाबी पब्लिक बस का एक नियम है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और कुछ लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को उल्लंघन करते हैं, तोड़ते हैं। जैसे कुछ लोग शाउटिंग करते हैं, मतलब ऊँची आवाज़ में बात करते हैं, ड्राइवर के साथ ऊँची आवाज़ में बात करते हैं, बस में दूसरे पैसेंजर्स के साथ ऊँची आवाज़ में बात करते हैं। जैसे कुछ लोग फ्लैमेबल आइटम या शार्प आइटम, मतलब ब्लेड या नाइफ और कुछ जलनशील आइटम कैरी करते हैं, तो ये सब अलाउड नहीं है बस में। कुछ लोग फेयर पे नहीं करते, कुछ लोग खाना खाते हैं बस में, ये सब कुछ अलाउड नहीं है, स्मोकिंग अलाउड नहीं है। तो ये जो नियम है, तो नियम कुछ लोग नियम का उल्लंघन करते हैं, तो और नियम उल्लंघन और इस नियम उल्लंघन करियो को 100 दिरहम से लेकर 500 दिरहम तक का फाइन है। हाँ दोस्तों, ITC अबू धाबी ने एक ट्वीट भी किया है, और ट्वीट में कहा गया है कि 10 टाइप्स ऑफ फाइन अबू धाबी बस में है। तो ये आपको जानना जरूरी है किस टाइप का फाइन है अबू धाबी बस में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कई गलती करने से कितना जुर्माना होगा। जैसे अगर आप ड्राइवर के साथ ऊँची आवाज़ में बात करते हैं, कोई पैसेंजर्स के साथ ऊँची आवाज़ में बात करते हैं, अगर आप कोई फ्लैमेबल या शार्प आइटम जैसे नाइफ, जैसे ब्लेड, जैसे जलनशील आइटम कैरी करते, अगर आप फेयर पे नहीं करते, अगर आप बस के अंदर खाना खाते या स्मोकिंग करते, तो इस तरह का कोई गलती करते, तो कितना जुर्माना होगा। मैं आपके सामने अभी 10 टाइप्स ऑफ जुर्माना पेश करूँगा।